हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के बारे में भी आप पहले से ही जानते हो। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो एक दूसरे के जो विपरीत अर्थ बताते हैं उन शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि रात और दिन। तो एक दूसरे के उल्टे या विपरीत अर्थ जो शब्द बताते हैं उन्हीं को विलोम शब्द कहते हैं। मतलब एक शब्द है उसका उल्टा जो शब्द हम बताएंगे उसी को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि रात का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। उल्टा या विपरीत शब्द। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे रात का दिन। यहाँ पर कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द मैंने लिखे हैं। तो अमृत है सबसे पहला शब्द। अमृत शब्द का विलोम शब्द या उल्टा शब्द विष होगा। इसके बाद का जो शब्द है वो है आय। आय शब्द का विलोम शब्द व्यय होगा। इसके बाद चेतन है। चेतन शब्द का विलोम शब्द जड़ होगा। जड़ शब्द के बाद में अब है उग्र शब्द। तो उग्र शब्द का विलोम शब्द सौम्य होगा। इसके बाद वाला शब्द है निंदा। निंदा शब्द का विलोम शब्द स्तुति होगा। इसके बाद आदि है। आदि शब्द का विलोम शब्द अंत होगा। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण शब्द का विलोम शब्द अनुत्तीर्ण होगा। इसके बाद अगला जो शब्द है तीव्र है। तीव्र शब्द का विलोम शब्द मंद होगा। उसके बाद वाला शब्द है आपके सेवक। सेवक शब्द का विलोम स्वामी होगा। उसके बाद वाला शब्द है मुख। मुख शब्द का विलोम वाचाल होगा। उसके बाद का शब्द है गुण। गुण शब्द का विलोम शब्द दोष होगा। उसके बाद वाला शब्द है दुख। दुख शब्द का विलोम सुख होगा। तो दुख शब्द का विलोम क्या होगा? सुख होगा। इसके बाद जो शब्द है वो है सच। तो सच शब्द का विलोम या उल्टा शब्द झूठ होता है। तो बच्चों शब्द सच शब्द के विलोम शब्द या उल्टा शब्द झूठ होगा। इसके बाद वाला शब्द आपके बुरा है। बुरा शब्द का विलोम शब्द भला होगा। बुरा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? भला होता है। इसके बाद है हिंसा। हिंसा शब्द का विलोम शब्द अहिंसा होगा। तो हिंसा शब्द का विलोम क्या होगा? अहिंसा होगा। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द का विलोम अस्वस्थ होगा। स्वस्थ शब्द का विलोम क्या होता है? अस्वस्थ होता है। इसके बाद सफाई है। सफाई शब्द का विलोम शब्द गंदगी होता है। सफाई शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गंदगी होता है। उसके बाद है प्रश्न। प्रश्न शब्द का विलोम उत्तर होता है। प्रश्न शब्द का विलोम उत्तर होगा। कम शब्द का विलोम शब्द अधिक होगा। कम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, ठीक शब्द का विलोम शब्द गलत होगा। ठीक या सही, ठीक या सही विलोम शब्द का शब्द विलोम शब्द गलत होगा। तो विलोम शब्द हम एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों के अलावा भी बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं, जैसे सुबह का शाम होता है, दिन का रात होता है, और भी बहुत सारे विलोम शब्द आपके होते हैं। तो बस सिर्फ हमें ये याद रखना है कि शब्द का उल्टा शब्द बताने वाला शब्द ही विलोम शब्द होता है। जैसे उठना है, तो उठना का मतलब खड़ा होना होता है, तो उठना का विलोम शब्द बैठना होगा।
तो बस हमें इतना याद रखना है कि विलोम शब्द हमेशा उल्टे होते हैं, जबकि पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, उस शब्द के समान ही दूसरा शब्द होता है। लेकिन विलोम शब्द में क्या होता है, हम उल्टा शब्द बताते हैं। जिस प्रकार लिंग होता है, लिंग में हम उसका विपरीत लिंग बताते हैं, इसी प्रकार विलोम शब्द के अंदर हम शब्द का उल्टा शब्द बताते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। बाय स्टूडेंट।